नाभि केंद्र शरीर का एक ऐसा स्थान है जिसे धन का स्थान, धन का केंद्र कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति का यह कमजोर हो, जागृत ना हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज्यादा धन की परेशानी होती है। वह जितनी भी मेहनत करता है उसे मेहनत का लाभ नहीं मिलता है। इसी के साथ अगर वह अपने जीवन में संपन्न भी होता है तो भी उसे संपन्नता का कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। सब कुछ होते हुए भी उसके मन में हमेशा ही किसी न किसी चीज की कमी लगी ही रहती है और वह ना चाहकर भी चिंता में, परेशानी में, घबराहट में ही डूबा रहता है। नाभि केंद्र शरीर के यानी कि संसार के सुखों को प्राप्ति करने वाला केंद्र है और जितने भी इस संसार में सुख मौजूद हैं उन सभी के लिए नाभि केंद्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। बल्कि तंत्र में इसे मणिपुर चक्र स्थान कहा जाता है। नाभि से दो उंगली ऊपर मणिपुर चक्र होता है जहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्थान बताया जाता है, यानी कि वहीं पर केवल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नाभि केंद्र को, मणिपुर चक्र को किस प्रकार धन के लिए एक्टिवेट किया जा सकता है कुछ आसान सी क्रियाओं को करके। और अगर आप अपनी नाभि को एक्टिवेट करते हैं तो इससे धन प्राप्ति के मार्ग तो खुलते ही हैं, बल्कि जिस भी चीज की आप कामना करते हैं, जो भी चीज आप चाहते हैं, वही चीज दुगनी तेजी से आपकी तरफ दौड़कर आती है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा पर हमेशा बनी रहे। भगवान शिव को नमस्कार अवश्य कर लें, क्योंकि बिना उनकी कृपा के कोई भी तंत्र में, मंत्र में सफल हो ही नहीं सकता है। इसीलिए भगवान शिव की कृपा होना बेहद आवश्यक होता है। तो दोस्तों, अब आपको बता दें कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में धन की परेशानी होती है, वह मेहनत करता है, सब कुछ अगर उसके जीवन में भी होता है तब भी उसे कुछ लाभ नहीं मिल पाता है, तो यह संकेत करता है कि उसका नाभि केंद्र बिल्कुल ही सोया हुआ है और बिल्कुल भी जागृत नहीं है। वहीं दूसरी ओर आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो बहुत ही कम मेहनत करते हैं, लेकिन जितनी भी मेहनत करते हैं, चाहे 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, कितनी भी मेहनत करते हैं, उस मेहनत का उन्हें पूर्ण लाभ मिलता है। तो ऐसे में आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिर ये हो कैसे रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह गुरु ग्रह की कृपा के माध्यम से होता है। जिस व्यक्ति का गुरु ग्रह बलवान है तो ऐसे व्यक्ति की नाभि अपने आप ही ऑटोमेटिक ही एक्टिवेट रहती है। गुरु ग्रह बलवान होने से, नाभि केंद्र एक्टिवेट होने से ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही चमक रहती है, कॉन्फिडेंस रहता है और वह जिस भी चीज को चाहता है, जिस भी चीज की कामना करता है, वही चीज दुगनी तेजी से उसके जीवन में दौड़कर आती है। क्योंकि सांसारिक जितने भी सुख इस दुनिया में मौजूद हैं, उन सभी का केंद्र केवल नाभि है, बल्कि इस संसार में आने के लिए नाभि ही वो पहला द्वार है जिसमें प्रवेश करके कोई भी आत्मा शरीर को धारण करती है। बिना नाभि के कोई भी व्यक्ति इस संसार में आ ही नहीं सकता है। इसीलिए जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी सभी इच्छाएं ऑटोमेटिक पूरी होती हैं। वह जो भी चीज की कामना करता है, वही चीज दुगनी तेजी से उसके पास आती है। उसे भूख लगती है या कुछ भी होता है, उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उसका ध्यान उस समय वह नाभि से जागृत रहता है, उसकी नाभि एक्टिवेट रहती है। इसीलिए हर एक इंसान अपने बचपन में जब वह छोटा होता है तो संसार के सुखों का भरपूर आनंद लेता है, और जैसे जैसे वह बड़ा हो जाता है तो उसकी नाभि से उसका ध्यान हट जाता है, नाभि सोने लग जाती है और उसके जीवन में फिर कष्ट उसे घेरने लग जाते हैं। तो अब आप ये देखें, ये हमने तंत्र की दृष्टि से नाभि का जो महत्व है वो आपको बताया है कि नाभि केंद्र कितना अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब दोस्तों, आप तीसरी बात ये जान लें कि नाभि पर अगर रोज सुबह नहाकर चंदन में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर अगर लगाया जाए तो इससे नाभि केंद्र एक्टिवेट होने लग जाता है और जीवन में जो आपके कष्ट चल रहे हैं, जो धन से जुड़े हुए हैं, वह सभी समाप्त होने लग जाते हैं। आपको ये भी बता दें कि यह प्रयोग तंत्र रूप से कार्य करता है, यानी कि इसमें करना कुछ भी नहीं पड़ता है, अपने शरीर का ही इस्तेमाल करते हुए चीजों को आकर्षित किया जाता है। बड़ी आसानी से हल्दी का पेस्ट, चंदन का पेस्ट मिल ही जाता है, लेकिन आप इस बात को भी ध्यान रखें कि इन दोनों चीजों को आपको अभिमंत्रित करना है और सूर्य से चार्ज पहले कर लेना है, तभी अपनी नाभि में इस्तेमाल करना है। ऐसे ही चंदन लाकर, हल्दी लाकर ऐसे ही इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अब सूर्य से चार्ज करने की विधि भी आप जान लें कि किसी भी गुरुवार के दिन सुबह उठकर आपको यह चंदन, हल्दी सूर्य की रोशनी में रख देनी है
और वहीं पर बैठकर 11 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 माला जाप कर लेना है। वहीं पर बैठकर करना है, गुरुवार के दिन करना है और सूर्य की रोशनी में बैठकर ही करना है। फिर जब तक सूर्य रहता है तभी तक इन दोनों चीजों को आपको वहीं रखे रखना है और अगले दिन से फिर अपनी नाभि में लगाने के लिए इस्तेमाल करना है। इस विधि से ये चार्ज हो जाते हैं जिसमें शक्तियाँ फिर विराजमान हो जाती हैं और जब आप इसे फिर अपनी नाभि पर इस्तेमाल करेंगे तो जिस भी चीज की आप कामना करेंगे वही चीज दुगनी तेजी से आपकी ओर आने लगेगी, धन की परेशानी खत्म हो जाएंगी। काफी लोगों के जीवन में परेशानी रहती है कि उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है, शुरुआती दौर में वे समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा व्यवसाय उनके लिए अच्छा रहेगा, कौन सी चीजों को करना चाहिए। तो आपको बता दें कि इस प्रयोग को करने से उस व्यक्ति के दिमाग में ऐसे आइडियाज आने लग जाते हैं कि अगर उसे व्यवसाय के बारे में कुछ पता भी नहीं होता है तो उसके संपर्क में ऐसे लोग उससे जुड़ने लग जाते हैं जिससे उसका व्यवसाय बहुत ही ज्यादा फिर अच्छा चलता है, आइडियाज उसे आ जाते हैं और उसका व्यवसाय किसी न किसी रूप में कैसे भी शुरू हो ही जाता है। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, दुकान आदि वगैरह नहीं चलती है, तो इस प्रयोग को करने से सभी कार्य धन के संपन्न होने लग जाते हैं। जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो खुद ही देखेंगे कि मन में आपके शांति उतरने लगेगी और बस जैसे ही शांति उतरने लगे तब आप समझ जाएं कि यह प्रयोग कार्य कर रहा है और अब आपके जीवन में सभी धन की समस्याएं खत्म होने वाली हैं। तो जरूर इस प्रयोग का लाभ उठाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल बटन दबा कर रखें जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं तो यह वीडियो आपको समय पर मिला करे। बेल आइकन दबाने से नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।